कोई की कहावत है कि दो चीजें हैं जो इंसान को दौड़ाती हैं, या तो उसका किसी चीज के साथ इश्क होता है उसकी वजह से वो दौड़ता है, या किसी खौफ की वजह से दौड़ता है। और मैं ये समझती हूँ कि जब आप इस इंस्टीट्यूट के अंदर हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर हैं, तो आपका शौक आपको दौड़ा रहा होगा, क्योंकि खौफ तब आएगा जब आप इस इंस्टीट्यूट से बाहर निकल जाएंगे। वो खौफ प्रेशर्स की फॉर्म में होगा, वो तमाम प्रेशर्स जो आपके पास, जो आपके ऊपर इकोनॉमिकली और सोशल प्रेशर्स आएंगे। और फिर जब इंसान खौफ की वजह से दौड़ रहा होता है तो बहुत सारी मिस्टेक्स करता है, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपने इस शौक को शौक और इश्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आप इसको अपने शौक को अपने इस टाइम पीरियड में अच्छे से फीड करें, उसकी खुराक अच्छे से उसको प्रोवाइड करें। और उसकी खुराक क्या है? वो तैयारी है आपकी अपने फ्यूचर के लिए, जो आप यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके बाहर जाएंगे तो आपके लिए जरूरी है। दो तरह की चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, इधर यू आर गोइंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर और आप ना को बिजनेस करना चाहते हैं, या फैमिली में जो ऑलरेडी बिजनेस है उसको टेक ओवर करना चाहते हैं, या आप अपने आप को जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आता है कि हम अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे। आप सिर्फ मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं। बच्चों को मैं ये कहती हूँ कि आपका ये CGPA, आपका 4 out of 4 CGPA भी आपके किसी काम का नहीं है, अगर आपको अपने फील्ड ऑफ स्टडी में इन्वॉल्व स्किल्स का नहीं पता, मार्केट में उनकी डिमांड क्या है इनका नहीं पता, किस प्लेटफॉर्म पर जाकर आप उनको सेल कर सकते हैं और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर जाकर आप अपने स्किल्स में एक्सेल कर सकते हैं। हर चीज़ यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी नहीं होती, ये बात आप लोग अच्छे से अपने आप को रियलाइज़ करवा लें। जब आप अपनी मिस्टेक्स और अपनी शॉर्टकमिंग्स किसी दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, और फिर कभी भी आप लर्निंग एटीट्यूड में नहीं आ सकते हैं। अपनी मिस्टेक्स को, अपनी शॉर्टकमिंग्स को और जो गैप्स हैं उनको ओन करने से आप फिर इस काबिल होंगे कि उनको कवर अप करने के लिए, उनमें एक्सेल करने के लिए, उन कमजोरियों को दूर करने के लिए फिर आप सर्च करेंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और मैं उनसे कैसे फ़ायदा उठा सकता हूँ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज के दौर पर नॉलेज इंडस्ट्री कहा जाता है, और आप लोग अच्छे से नहीं समझते कि हम लोग किस तरह से यूट्यूब और गूगल और इंटरनेट के ऊपर जो फ्री मटेरियल पड़ा है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा चैनल है, मेरा फेसबुक पेज है, दे ऑल आर फ्री, और उसमें आप लोगों को बहुत सारी गाइडलाइंस इस तरह की मिलती हैं। डॉक्टर रिजवाना आप सर्च करेंगे तो यू कैन एक्सेस ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पर आपके साथ ये सारे प्लेटफॉर्म्स शेयर किए हुए होते हैं, उनकी डिटेल वीडियोस, उनके ट्यूटोरियल्स, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है, जहाँ पर जाकर आप अपने सब्जेक्ट में रिलेटेड फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, स्किल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी फ्री ट्रेनिंग्स हैं जिनको एक्सेस कर सकते हैं। आप देखें तो यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कि स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर आपको रन करने सिखाए जा रहे हैं, कोई स्किल सिखाया जा रहा है, पाइथन और डेटा साइंसेस के से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी वहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। तो मैं स्टूडेंट से कहती हूँ कि सबसे पहले जो इंटरनेट पर फ्री मटेरियल पड़ा है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये बहुत मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए अपनी उस स्पेसिफिक नीच में रहना, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट होते हो जब आप एक चीज़ देखते हो, दूसरी देखते हो, तीसरी देखते हो। तो स्पेसिफाई सबसे पहले आप लोगों ने अपने आप को करना है कि हम फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर केमिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ और मैं समझती हूँ कि मेरी एनालिटिकल टेक्निक्स में मुझे एक्सपर्ट होना चाहिए। एनालिटिकल टेक्निक्स आप समझते हैं, प्यूरिफिकेशन के तमाम टेक्निक्स हैं, और इंडस्ट्री में उनकी बहुत एप्लीकेशन है। किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, जो भी बन रहा है उन टेक्निक्स के गुजर के फिर आगे हो जाता है। तो मुझे जब ये पता चल गया कि एनालिटिकल टेक्निक्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं, कितनी हाई पेड हैं, मैं फ्रीलांस मार्केट प्लेस में उनको कहाँ कहाँ पर सेल कर सकती हूँ, इंडस्ट्री में कहाँ पर एप्लीकेशन है, अगर मैं PhD के लिए परसू करना चाहूँगी तब इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, मुझे क्लियर हो गया। ठीक है, सबसे पहला स्टेप अपने आप को क्लियर करना है। जब आप क्लियर कर लोगे, फिर सेकंड स्टेप ये है कि उन प्लेटफॉर्म्स को ढूंढो, उन लोगों को सर्च करो जो आपको ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे बेहतरीन, और आप लोग स्टूडेंट्स हो, आपका बजट बहुत लिमिटेड होता है, पॉकेट फ्रेंडली वर्चुअल ट्रेनिंग्स ही हैं। इतने ज़्यादा फीचर्स आ गए हैं, कोविड ने आप लोगों के लिए इतना आसान कर दिया इन सारी चीज़ों को एक्सेस करना, और आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें फ्री भी हैं। तो अपने आप को फोकस्ड रखें, फोकस्ड रखेंगे तो फिर वो जो ब्लेम है हमारा कि हमें जॉब नहीं मिलती, आप यकीन करें यू विल बी द जॉब प्रोवाइडर इन फ्यूचर। ठीक है, आप अपने आप को मार्केट में जाने के लिए पहले अच्छे से तैयार करें। आप पाकिस्तान की इंजीनियरिंग की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें बैठे हुए हैं, और आप भी उन तमाम यूनिवर्सिटीज से मुख्तलिफ ना हों जिनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई अच्छी लेबॉरटरीज नहीं है, कोई अच्छे टीचर्स नहीं है।
तो फिर आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आप लोग बड़ा टफ कंपटीशन फेस करके यूनिवर्सिटी तक आते हैं। यूनिवर्सिटीज आप लोगों की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए।